अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। सीएमओ कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर संविदा कर्मचारी कल से धरने पर हैं। उनका आरोप है कि उनके 15 कर्मचारियों को बगैर कारण के निकाल दिया गया है। उनकी मांग है कि जब तक सरकार उनके 15 कर्मचारियों को वापस नहीं लेती तब तक वो अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। अब देखिए सरकार इसमें किस तरह की कार्रवाई करेगी। ये जो आज हमारी जो कार्रवाई सरकार है इसमें हमारे 18 संविदा कर्मचारियों को निकाल दी गई है नौकरी से बिना कोई नोटिस दिए, जबकि कोई भी ये नियम है कि जब भी किसी को निकाला जाता है तो उसमें नोटिस दी जाती है, जबकि सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे 18 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जिसके हम लोग धरने पर बैठे हैं। ये जिले के ही लोग हैं जो 18 लोगों को निकाला गया? अलग अलग जिले के, पूरे यूपी में अलग अलग जिले के। किस तरह प्रभावित हो रहा है स्वास्थ्य विभाग? डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इससे काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं में प्रॉब्लम तो आती है क्योंकि एक टेल ऑफ द बोन बन चुके हैं हम लोग जितने भी UPNHM संघ के कर्मचारी हैं। अगर ये न रहेंगे तो यकीन मानिए कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी स्वास्थ्य विभाग की। तो हमारी मांग है सिर्फ ये कि जितने भी हमारे साथी टर्मिनेशन के लिए किए गए उनको बहाली हो और उन्हें पुनः घर वापसी हो। टर्मिनेशन का कारण क्या है? कारण उन्होंने बताया नहीं, डायरेक्ट अचानक ये MD NHM ये तानाशाही का भरा हुआ फैसला था जो कि इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसका घोर विरोध करते हैं और आखिरी दम तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे जब तक उनकी हम बहाली नहीं कराते। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब संविदा कर्मचारियों के द्वारा संचालित हो रही हैं। कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में आप जाके स्टाफ पता कर लीजिए, यदि संविदा कर्मचारी यदि वहां का आज भी हम ये धरना कर जरूर रहे हैं लेकिन एक मानवीयता हमारी है। प्रदेश से आह्वान है कि हम इमरजेंसी सेवाओं को प्रभावित नहीं करना है, नहीं तो यदि संविदा कर्मचारी काम न करे तो अस्पताल में आपको कोई न दिखाई दे। अपने विभाग से और प्रशासन से क्या उम्मीद? उसमें यही चाहते हैं कि जिनको टर्मिनेट किया गया है वापस उनको उसी रूप में बहाल किया जाए और जो भी मान लीजिए उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स था जितने भी DPM डैम निकाले गए हैं तो ये कि कम उनको या तो ट्रांसफर कहीं कर सकते थे लेकिन टर्मिनेशन जो है एक विकल्प नहीं था कि मान लीजिए आप इनको टर्मिनेट करते किसी और को लाते हैं तो कोई ये थोड़ी कि वो इनसे अच्छा ही होगा। तो हम यही चाहते हैं कि वापस उनको बहाली मिल जाए।